हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ फिफ्थ लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ये अगेन इट इज़ अ मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एज अ नेम सजेस्ट, हमको एलिमिनेट करना है। किस चीज़ को एलिमिनेट करना है? वी नीड टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स। हम जो सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं उसमें हम दो वेरिएबल्स करते हैं, या तो वो एक्स वाई होता है, या यू वी होता है, एम एन होता है, कुछ भी होता है। तो हमको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है यानी हटाना है, और दूसरे वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें एक वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा, उससे चीज़ें इजी हो जाएंगी। कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले एलिमिनेशन का रूल क्या होता है, यू नीड टू टेक एनी वन वेरिएबल, मेक इट्स कोफिशियंट सेम एंड साइन ऑपोजिट। ठीक है, कोफिशियंट करना है सेम और साइन बनाना है ऑपोजिट। वो हम चूज़ करेंगे कि हम कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं। तो अगर हमारा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स एंड टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू ट्वेल्व। ओके, तो इसमें हम देखते हैं एक्स का कोफिशियंट इधर वन है, इधर टू है, तो ये तो न साइन इनका सेम है ना ही इनका कोफिशियंट सेम है, तो इसको छोड़ो अभी। वाई पे मूव करते हैं, तो इसका कोफिशियंट इज थ्री, इसका माइनस थ्री, तो ये तो हमारे दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल हो गए, कोफिशियंट भी सेम है और साइन भी ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसके साथ हम प्रोसीड करेंगे। तो करना क्या होता है, प्लस थ्री वाई एंड माइनस थ्री वाई कैंसिल हो जाएंगे, एक्स और टू एक्स हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इन इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। तो जब एक्स और टू एक्स को ऐड करोगे तो ये क्या होगा, थ्री एक्स, और ये क्या हो जाएगा, सिक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू एटीन। तो हमारे पास क्या मिल गया, थ्री एक्स इज इक्वल्स टू एटीन। जब थ्री एक्स एटीन मिल गया तो एक्स क्या हो गया, सिक्स। ओके, तो एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, तो अब इसे दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम इसे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर वन में, x इक्वल्स टू सिक्स पुट कर रहे हैं, तो क्या होगा, सिक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू सिक्स। अब सिक्स और सिक्स तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, थ्री वाई इज इक्वल्स टू जीरो। थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो का मतलब है y इक्वल्स टू जीरो, तो हमें वैल्यू मिल गई। और हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, x है सिक्स कॉमा वाई इज जीरो, सो सिक्स कॉमा जीरो इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम, 2x plus 3y is equals to 6 and 3x plus 2y is equals to 10. ओके, तो अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखो, क्योंकि अगर हम x 2x plus 3y is equals to 6 and 3x plus 2y is equals to 10. ओके, तो अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखो, क्योंकि अगर हम x के कोफिशियंट देखते हैं तो ये है 2, ये है 3, ना कोफिशियंट सेम है ना ही साइन सेम। ठीक है, उसी तरीके से हम y के कोफिशियंट को देखें तो ये है थ्री, ये है टू, कुछ भी सेम नहीं है। तो सेम बनाने के लिए अब हम x लें या y लें, हमें सेम ही दिक्कत होगी। तो हम क्या करें, हम x को चूज़ कर रहे हैं, हम x के कोफिशियंट को सेम बनाना चाहते हैं। तो क्या होगा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड इक्वेशन को पूरी को टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री इंटू टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई इक्वल्स टू एटीन। याद रखना, जब हम किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आर एच एस में भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और आर एच एस सॉरी सेकेंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू से, तो टू इंटू थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू टेन, तो ये क्या हो गया, सिक्स एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में हमें कम से कम एक्स का कोफिशियंट तो सेम मिल गया, साइन अभी भी सेम नहीं मिला है। ठीक है, तो साइन सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन तो एक तो ऐसे ही लिख दो, सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई इक्वल्स टू एटीन, दूसरी जब हमने लिखी सिक्स एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी। आप देखो, किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो अगर मैं माइनस वन से भी करूँ तो दिक्कत तो नहीं है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस से करती हूँ तो ये प्लस साइन था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस फोर वाई था ये माइनस फोर वाई हो जाएगा, ये प्लस ट्वेंटी था ये माइनस ट्वेंटी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो किस तरीके से होगा वो चीज़, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं अब, तो हमें मिलता है ये तो कैंसिल हो जाएगा, नाइन बाय माइनस फोर वाई, हम इसका साइन चेंज कर चुके हैं, तो नाइन बाय माइनस, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं अब तो हमें मिलता है ये तो कैंसिल हो जाएगा, नाइन बाय माइनस फोर वाई, हम इसका साइन चेंज कर चुके हैं, तो नाइन बाय माइनस फोर वाई इज़ फाइव वाई, एंड 18 माइनस ट्वेंटी इज माइनस टू,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2/5। ठीक है, अब इसको इक्वेशन को, सॉरी y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट करो और इसका आंसर निकालो। जैसे हम अगर y इक्वल टू -2/5 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, 2x+3 (-2/5 इज इक्वल, y इक्वल टू -2/5 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, 2x+3 (-2/5 इज इक्वल टू 6। ओके, यानी 2x-6/5 इज इक्वल टू 6, यानी 2x इज इक्वल टू 6+6/5। आप इसे सॉल्व कर सकते हो एंड यू नीड टू डू द सोल्यूशन योर सेल्फ। ओके, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं जो ईजी है, इसके कंपेरिजन में ईजी है। तो आप लोग क्या करना, उस एग्जाम्पल को पहले करना और इसको सबसे लास्ट में करना, क्योंकि दिस इज़ द डिफ़िकल्ट वन। तो पहले हम ईजी क्वेश्चंस करेंगे। तो ये है 2x-y-4 इज इक्वल टू 0 एंड x+y+10 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, जनरल फॉर्म में मत लेना इसे कभी भी, इसमें हमेशा कांस्टेंट टर्म को आरएसएस में लेके चलना ईजी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x-y इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x+y इज इक्वल टू -10। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा वेरिएबल चूज़ करना है जिसका कोफिशियंट सेम हो या सेम बनाना ईजी हो एंड साइन इज ऑपोजिट, या फिर हम उसे ऑपोजिट बना देंगे। ठीक है, तो ईजी क्वेश्चन करेंगे। तो ये है 2x-y-4 इज इक्वल टू 0 एंड x+y+10 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, जनरल फॉर्म में मत लेना इसे कभी भी, इसमें हमेशा कांस्टेंट टर्म को आरएसएस में लेके चलना ईजी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x-y इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x+y इज इक्वल टू -10। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा वेरिएबल चूज़ करना है जिसका कोफिशियंट सेम हो या सेम बनाना ईजी हो एंड साइन इज ऑपोजिट, या फिर हम उसे ऑपोजिट बना देंगे। ठीक है, तो टू एक्स का कोफिशियंट इज 2 ईयर, इधर इट्स 1। अभी सेम नहीं है, सेम हम बाद में बनाना पड़ेगा तो हम करेंगे। ठीक है, इधर वाई का कोफिशियंट इज -1, योर वाई का कोफिशियंट इज 1। अब देखो वी आर डन विद वाई ईयर ओनली, हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि y का कोफिशियंट सेम है विच इज़ 1 एंड साइन ऑपोजिट है। तो बस हम इसी को सॉल्व करेंगे, हमें किस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा, +y-y कैंसिल हो जाएगा, 2x+x 3x हो जाएगा, 4-10 विल बी -6। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, -2। अब जब एक वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है तो किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो और दूसरे वेरिएबल की आंसर निकालो। तो x इज इक्वल टू -2 हम फर्स्ट में अगर पुट करते हैं तो ये फर्स्ट था, तो 2 × -2 - y - 4 या इज इक्वल टू 4। तो -4 - y - 4 इज इक्वल टू 0, यानी -8 - y इक्वल टू 0, यानी -8 इज इक्वल टू y। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, -2, -8। ओके, सो दिस वाज अ प्रिटी ईजी क्वेश्चन। इसके बाद भी हम एक ईजी क्वेश्चन ही करेंगे वापस से। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग, 2x+3y - 8 इक्वल्स टू 0 एंड 5x-3y इज इक्वल टू 11। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, सोल्यूशन देखने से पहले उस पर पॉज बटन दबा कर खुद सॉल्व किया करो, तभी हेल्पफुल रहेगा सेशन। ठीक है, तो अब इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो खुद ट्राई करो इसे पहले और उसके बाद सोल्यूशन देख रहा। सो 2x+3y इज इक्वल टू 8 एंड 5x-3y इज इक्वल टू 11, इस तरीके से लिख दिया। अब हम कोफिशियंट चेक करेंगे, 2x+3y - 8 इक्वल्स टू 0 एंड 5x-3y इज इक्वल टू 11। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, सोल्यूशन देखने से पहले उस पर पॉज बटन दबा कर खुद सॉल्व किया करो, तभी हेल्पफुल रहेगा सेशन। ठीक है, तो अब इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो खुद ट्राई करो इससे पहले और उसके बाद सोल्यूशन देखना। सो 2x+3y इज इक्वल टू 8 एंड 5x-3y इज इक्वल टू 11, इस तरीके से लिख दिया। अब हम कोफिशियंट चेक करते हैं कि किसी का सेम मिल रहा है क्या। तो जब हम x का करते हैं तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। y का देखते हैं तो इधर 3 है, इधर -3 है, कूल, वी आर डन योर। ठीक है, जब हमें मिल गया सेम और ऑपोजिट तो वी विल स्टॉप देयर, इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया, कैंसिल, इधर 2x+5x विल बी 7x एंड RHS में 8+11 इज 19। तो x कितना आ गया, 19/7। x 19/7 आ गया, अब इसको इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करो तो क्या होगा, 2 × 19/7 + 3y इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो क्या हो गया, ये 38/7 + 3y इज इक्वल्स टू 8। तो 3y इज इक्वल्स टू 8 - 38/7। सेम कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 7,
तो 3y = 18/7, तो y कितना आ गया 18/7, यानी 3 और 18 कैंसिल होकर 6 बचेगा, तो y आ गया 6/7। तो आपका आंसर क्या आया फाइनली, x, y इज 19/7, 6/7। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, और जो सेकेंड एग्जाम्पल करवाया था जिसमें दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसको वापस से एक बार देख लेना, अब समझ आ जाएगा। ओके okay?